नमस्कार जी विद्यार्थियों, आज हम काव्य खंड में मीरा के पदों का अध्ययन करेंगे। मीराबाई, जिनका जन्म 1503 में जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ, उनका विवाह भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद भोजराज की मृत्यु हो गई, जिसके कारण मीरा का मन सांसारिक राजपाट से पूरी तरह उचट गया और वो कृष्णमय हो गई। अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया और श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव, इष्ट देव मानने लगे। मीरा के गुरु रैदास थे। मीरा की भक्ति भावना धन्य और माधुर्य भाव की है। मीरा की साहित्य में अनेक प्रकार की भाषाओं का मिश्रित प्रयोग है, जिनमें प्रमुख रूप से राजस्थान, ब्रज और गुजराती भाषाएं। मीरा ने अपनी अधिकांश रचनाएं श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए लिखी, तो श्री कृष्ण की संबोधित करते हुए उनकी रचनाओं में मीरा का पहला पद जो हमारी पाठ्य पुस्तक में, उसका अध्ययन करेंगे। इस पद में मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए अपने सांसारिक दुखों से छुटकारा पाने का आग्रह करती है। हरि आप हरो जन की भीड़, द्रौपदी री लाज राखी, आप बिढ़ायो ची। इस पद में मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों की पीड़ा का हरण करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उसकी चेहर को अर्थात साड़ी को अनंत किया था, उसी प्रकार से आप मेरे भी स्वाभिमान की रक्षा करें। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने बड़ी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, तब श्री कृष्ण ने ही उसकी साड़ी को बढ़ाया था। भगत कारण रूप नर हरि आप धरो शरीर। आगे मीरा कहती है, हे प्रभु श्री कृष्ण, आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, प्रहलाद को बचाने के लिए नरहरि का रूप धारण किया था। इसी तरह से बूढ़तो गजराज राख्यो कार्ती कुंजर पेट, हाथियों के राजा ऐरावत जब समुद्र में उतरे थे तो उस समय ग्रह नामक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया था और उसे गहरे समुद्र में उतारने लगे थे। जिस समय ऐरावत को पूर्व जन्म की याद आई, जिसके कारण उसने संकट में भगवान को पुकारा और श्री कृष्ण ने आकर के उसे बचाया और उस मगरमच्छ का वध किया, उसी प्रकार से मीरा कह रही है, हे प्रभु, आप मेरी भी पीड़ा का हरण करें। दास मीरा लाल गिरधर हरो महारे पीर। अंत में ही मीरा कह रही है, हे प्रभु, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर मुझे भी हर प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिला दी।